दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये एक किचन है, पूरा टाइल्स सब कुछ फिनिशिंग हो गया। फिनिशिंग होने के बाद ये प्री कल्पनाइज पोटेट वाला रेशियो जो कि इसके ऊपर में पूरा ऐसा हॉरिजेंटल में गया है, ऐसे भी वर्टिकल में गया है, ओके ऐसा डबल माइंड करके ये साइड लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे करके हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है, ये दो दो नट बोल्ट डाला है और वो ये पूरा भी ऐसे डाला है। इसके ऊपर कुछ आइसोलेटर आएगा, आइसोलेटर के बाद इन लोग का जो जो जगह में पॉइंट चाहिए किधर क्या कुछ हीटर फीटर वगैरह वो सब भी चाहिए, ये लोग बैठाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने इसको लगाया है, ये डबल बेंड किया, ये भी डबल बेंड। ये फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करके मैंने इसे सिंगल पीस में बनाया, ओके ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये बनाया है। ये हो गया, इसके बाद इधर आता है, ये हो जाता है 200 का। ये ऐसे आके ये सिंगल पीस है, यहाँ से ऐसे कलम पे ऐसे आया, देख सकते ये पूरा सिंगल पीस है, ओके इधर तक बना दिया, इधर से ये खत्म हो गया, इधर से और एक पेंट करके मैं मिलाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक हुआ, क्या है कि इसका जो मेजरमेंट में उधर तक लिया था ये पूरा एक्यूरेट बना दिया, जिसके वजह से कि मेरे का थोड़ा कमी हो गया, ओके। और ऐसे भी आप कभी भी बनाते तो इसका राइट एंगल पहले चेक कर लीजिए, ये राइट एंगल में भी ये कलम नहीं है। जब हमारा ये राइट एंगल में बैठ गया तो कटिंग कर दिया तो ये इस साइड में एक गैप रह गया, ऐसे भी कलम बराबर नहीं है क्योंकि ये इसका इधर से भी आपको मालूम चलेगा यहाँ पर टच है, उधर गैप है, ओके। और ये लास्ट वाला बैंड हम मार्किंग कर दिया, इधर बनाएगा ये ऐसा 100 है तो ऐसे हम 100 mm से 1.5 mm कम किया, इस साइड में भी 1.5 mm कम किया, ऐसे करके इधर भी कपलर बना देगा। अभी कटिंग करके आपको दिखाते हैं, करके दिखाते।